साथियों नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाए। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 10वीं पास की है, और उससे भी ज़्यादा उनके माता-पिता के लिए। वो ज़्यादा चिंतित होते हैं कि किस विषय में उनके बच्चे की रुचि है और किस विषय के अंतर्गत उसका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है। तो हम पहले बात करेंगे, अब तक जो सिस्टम चला आ रहा है, सबसे पहले पेरेंट्स का क्या मानना होता है, क्या मत है। नंबर वन, उनका यह मानना होता है कि परिवार में या घर में पहले जिसने भी जो सब्जेक्ट ले रखा है वही आगे दूसरे बच्चों को दिलवाना होता है। दूसरा उनका है कि जिस क्षेत्र में आसानी से या जल्दी से उनको जॉब या नौकरी मिल सके उस विषय के अंदर उनको जाना चाहिए। तीसरा उनका ये मानना होता है कि जो विषय नजदीकी क्षेत्र में तहसील स्तर पे अच्छे से पढ़ाया जा सके। चौथा उन्होंने पहले से मन बनाया होता है कि अपने बच्चे को कौन से विषय में वो भेजना चाहेंगे, जैसे वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, नर्सिंग प्रोफेसर या नर्सिंग ऑफिसर, वकील या इंजीनियर। उसके बाद में विद्यार्थी का क्या मत या क्या मानना होता है, सबसे पहले कि जिस विषय में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे हम वही सब्जेक्ट आगे लेंगे। जैसे मैथ में अगर ज्यादा नंबर है तो नॉन मेडिकल में जाएंगे, अगर साइंस में ज्यादा है तो मेडिकल में, या किसी भाषा में ज्यादा है जैसे हिंदी या इंग्लिश में तो वो आर्ट सेक्टर में जाना पसंद करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उनके साथ बैठने वाला या जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है वो ही उसे लेना पसंद करेंगे। तीसरा जो है, ओवरऑल जो परसेंटेज है उनकी वो कितनी है। जैसे पहले से एक बात चली जाती है कि अगर 80% से ज्यादा नंबर है तो साइंस सेक्टर में जाना है, अगर उससे कम है तो फिर आर्ट सेक्टर में जाना है। चौथा भी उनका मानना होता है कि वो अपने आसपास समाज में, गांव में जो सफल व्यक्ति है उनको देखते हैं और फिर उनके जैसा बनने की सोचते हैं, जैसे पुलिस कर्मी है या जो लघु उद्योग में सक्सेसफुल लोग हैं। इसके बाद जो टीचर है या फिर जो स्पोर्ट्स कोच, जो पीटीआई होते हैं, उनके जैसे बनने की वो कोशिश करते हैं और उस विषय में रुचि लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले साल 2019 में जनवरी महीने की ये बात है, मैं दो अलग-अलग स्कूल में गया। सबसे पहले क्लास 10th की बात करते हैं, वहां पे मेरा विषय था कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या किस सब्जेक्ट में क्या प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट होते हैं। तो मैंने क्लास शुरू करने से पहले वहां पर जो उपस्थित 50 स्टूडेंट थे उनसे पूछा कि उनका क्या मानना है कि वो किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। तो उनमें से लगभग 90% लोगों ने यही बोला कि वो आर्ट सेक्टर में जाएंगे। वजह क्या थी, उन्होंने बताया कि हमने सुना है कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये नजदीक में ही डिग्री या डिप्लोमा इसका हो जाता है। फिर मैंने आगे पूछा उसके बाद क्या करोगे, तो उन्होंने बोला उसके बाद हम कोचिंग करेंगे। कब तक, ये उसके बाद कोई आंसर नहीं था कि कब तक कोचिंग करेंगे। फिर दूसरे स्कूल में जहां पर 12th क्लास थी और वहां मेरा विषय था कि 12th के बाद गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से उनको तैयारी करनी पड़ती है, उनको मैंने पहला सवाल ये किया कि जो आपकी जनरल नॉलेज है या जनरल अवेयरनेस है वो कितनी स्ट्रांग है, आपकी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है। तो उनसे दो सवाल किए, पहला कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो उनमें से दो स्टूडेंट थे उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बाकी कुछ ने कोशिश की आसपास का कोई नाम बताया लेकिन बिल्कुल सही नाम नहीं था। दूसरा सवाल था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का, तो लगभग 20 स्टूडेंट का ये जवाब था उर्जित पटेल, क्योंकि फिर वजह उन्होंने बताई कि हमने नोट के ऊपर पढ़ा था। लेकिन जो वर्तमान में गवर्नर थे उसका नाम किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट या नियुक्ति थी वो सिर्फ 2 महीने ही पहले हुई थी। फिर उनसे आगे पूछा तो उन्होंने भी वही बात बोली जो 10th क्लास के स्टूडेंट ने बोली थी कि हम यहां से जाने के बाद में या तो BSTC करेंगे या BA करेंगे, और BA के बाद अगर BEd में एडमिशन हो गया तो BEd कर लेंगे, अदरवाइज MA करेंगे। मैंने पूछा उसके बाद में, उसके बाद बोले कोचिंग करेंगे हम 2 साल 3 साल जब तक हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता। और फिर कब तक कोचिंग करोगे, कोचिंग जब तक घरवाले करवा रहे हैं तब तक हम कोचिंग करेंगे।
तो ये जनरली अभी तक मानना होता है स्टूडेंट का, या किस प्रकार उनका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस होती है। अब हम बात करेंगे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त। सबसे पहले है जो परसेंटेज का खेल है, नंबर वन, उसको समझना चाहिए। नॉर्मली समाज में, सोसाइटी में ये एक धारणा बनी हुई है कि अगर आपके 80% है तो आप साइंस में जाने के लायक है, अगर उससे कम है तो आपको साइंस में नहीं जाना चाहिए या कॉमर्स सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसा मानना गलत है। आप याद करिए पिछले साल 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें एक परिस्थिति ऐसी थी कि इंग्लैंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, लेकिन बाद में उसी इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो अगर किसी के परसेंटेज कम है या एक बार उसका स्कोर कम आ गया तो हम उससे उसकी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर दो पे है कि जो हम छुट्टियों में, जैसे दिवाली की छुट्टी है या बड़े दिनों की छुट्टी है, या फिर जब एक साल खत्म होता है, जैसे क्लास खत्म हुई है उसके बाद हमें जो समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां मिलती है, उस दौरान बच्चे से एक क्रिएटिव मॉडल बनवाना चाहिए जिसमें घरवाले भी उसको पार्टिसिपेट कर सके और वो पूरा इंटरेस्ट के साथ, फ्री माइंड के साथ, बिना किसी प्रेशर के अपना जो सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, बेस्ट आउटकम दे सकता है। जैसे साइंस का कोई मॉडल हो गया, या लिखने का है तो कविता या जो निबंध है, इस टाइप से मतलब उसको प्रेरित करना चाहिए। या जैसे आईटी सेक्टर में टेक्निकल है तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी मॉडल उसने प्रेजेंट किया है तो थर्मोकोल शीट पे एक पूरा मॉडल बना के वो दे सकता है, जिससे डेली वो पर्सन या वो स्टूडेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट पे 1 घंटे 2 घंटे मेहनत करता है। अगर आप उसको उसकी बजाय लिखने का, जैसे उसको बोलोगे 10 पेज डेली लिखने हैं, तो मन मार के वो चीज करता है जिसमें रिजल्ट कभी भी नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखा देखी से बचना चाहिए। यह सबसे बड़ी समाज के अंदर एक विकृति है कि कोई एक पर्सन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है और उसका बच्चा बनना भी चाहता है, तो दूसरा जबरदस्ती अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के पीछे तुला हुआ होता है। अब यहां पे दो तीन चीजें समझनी होगी। हर बच्चे का मानसिक स्तर जो होता है वो अलग अलग होता है, उसका जो सपना है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो अलग होती है, और जो घर की परिस्थिति है वो भी अलग होती है कि आप कितने साल अपने बच्चे को कोटा या सीकर तैयारी करवा सकते हो, 3 साल 4 साल, दूसरा पेरेंट्स जो है वो मैक्सिमम 1 साल ही करवा सकता है। तो ये चीजें सोच के उसके बाद में हमें आगे का डिसाइड करना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्री एक्सपोजर या मिनी प्रारूप से परिचय। आपने सुना होगा अपने आसपास लगभग 1980 से सन 2000 के बीच में कुछ लोग थे जो पुलिस में या आर्मी में, जिनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान ही नौकरी छोड़ के आगे वापस कभी नहीं गए। उनकी कई वजह हो सकती है लेकिन उसमें से एक वजह और है। जैसे आपका बच्चा आर्मी में, पुलिस में या किसी भी टाइप के सुरक्षा बल में जाना चाहता है, तो आप उसको एक बार स्काउट या एनसीसी या गाइड के कैंप में भेजिए। 5 दिन का ये जो कैंप होता है वहां पर जो घरेलू वातावरण है उससे टोटल अलग होता है। नियमित टाइम पे उठना है, शाम को किस टाइम सोना है, दिन में जो एक्सरसाइज का पैटर्न है, खुद खाना बनाना है, तो ये जो अलग टाइप की ट्रेनिंग है, अगर उससे 2 या 4 बार परिचय होगा तो आपका बच्चा इंटरेस्टेड होगा कि हमें इस विभाग में जाना है। अगर उन लोगों का इस टाइप से परिचय होता तो कभी भी उस नौकरी को छोड़ते नहीं। दूसरा है, अगर आपका बच्चा साइंस में जाना चाहता है या आप उसे भेजना चाहते हो, तो हर साल जिला स्तरीय पर जो एक साइंस फेयर, विज्ञान मेला लगता है, उसमें जो बच्चे क्रिएटिव मॉडल साइंस के बना के लेके जाते हैं उनको स्कूल की तरफ से साइंस टीचर के साथ भेजा जाता है। तो क्या आपने कभी अपने बच्चे को प्रेरित किया है जिसको आप साइंस दिलवाना चाहते हो, या जिसको दिलाई है क्या उसको कभी भेजा है? तीसरा है आर्ट सेक्टर। आर्ट सेक्टर में जो तहसील स्तर पर या इवन ग्रामीण स्तर पर भी काफी सारी प्रतियोगिता होती है, जैसे सुलेख है या फिर निबंध लिखना है या कविता है या वाद विवाद प्रतियोगिता होती है जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो उस कंपटीशन में कभी उसको भाग आपने दिलवाया है? उसके बाद है बिजनेस मॉडल, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम किसी भी बच्चे से आप पूछोगे तो वो यही कहता है कि मेरे को फलानी नौकरी करनी है, लेकिन खुद कौन सा बिजनेस मॉडल डेवलप करेगा जिससे और लोगों को जॉब या नौकरी मिल सके? तो उसको आप
कोई भी एक छोटी राशि 500 रुपये या 1000 रुपये देके उसको एक मिनी मॉडल प्रारूप बनाकर उसको शुरू करने का बोल सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि वो किस प्रकार उस मॉडल को समझता है या उससे संबंधित जानकारी लेता है या आपसे समय समय पर पूछता है कि इतने पैसे में किस प्रकार मैं इसको करूंगा या कहां से मेरे को शुरुआत करनी चाहिए या कितना पैसा किस चीज में निवेश करना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं ये प्री एक्सपोजर में होती है। जैसे कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसको आपको एक छोटा प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसको समझकर आप उसको बड़े काम को स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, फिफ्थ पॉइंट, वो है एक्सपर्ट ओपिनियन। यहां पर हम बात करते हैं, जैसे आपको अगर एक नई कार लेनी है, पहली बार आप कार ले रहे हो, तो उससे संबंधित आप किससे जानकारी लोगे, किसी और व्हीकल वाले से या कार वाले से? जवाब साफ है, कार वाले से। या फिर कोई एक मरीज है जिसको बीपी की या हार्ट की या शुगर की दिक्कत है, उसे डॉक्टर को दिखाना है, तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा? एमडी या फिजिशियन के पास या सर्जन जो ऑपरेशन करता है? तो उसको जो भी राय देगा वो फिजिशियन की ही राय देगा। तो जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जो अपने क्षेत्र के अंदर मास्टर है, अगर आपको बच्चे को उस क्षेत्र में भेजना है तो आप उसी से राय लीजिए, न कि किसी दूसरे क्षेत्र वाले से। उसके बाद है सबसे जरूरी जो पॉइंट है, वो है एक्सपर्ट पेरेंट्स टीचर और स्टूडेंट की मीटिंग। यह एक छोटा सा एक दिन का प्रोग्राम होता है जिसको साल में एक या दो बार करवाना चाहिए। स्कूल स्तर पर हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो पंचायत स्तर पर या 20 से 30 जो अभिभावक माता पिता है वो निजी स्तर पर भी इसको करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें 5 या 7 अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, जैसे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या अदर सेक्टर से जैसे टीचर है, वो आएंगे। वो दो सेशन होते हैं इसके अंदर, दो हाफ होते हैं। पहले सेशन के अंदर हर जो वक्ता है या हर एक्सपर्ट, उसने उस क्षेत्र को क्यों चुना, उसकी जर्नी कैसे रही, यात्रा कैसे रही, किन किन संघर्ष या चुनौतियों का उसने सामना किया और फिर वो किस मुकाम पे पहुंचा, इसके अंदर 20 या 30 मिनट के अंदर वो पूरी डिटेल आपको बताएगा। तो पहला सेशन लगभग 2.5 से 3 घंटे का होता है, उसमें जो भी वक्ता आए होते हैं, जो भी एक्सपर्ट है, वो अपनी राय रखते हैं। दूसरा जो हाफ होता है, दूसरा जो सेशन होता है, उसके अंदर जो भी बच्चा या जो भी माता पिता उनसे प्रभावित है, वो उससे और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो निजी रूप से वहां पर उनसे मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार आप 9th और 10th क्लास में और 11th शुरू करने से पहले 2 या 3 बार इस टाइप से इस मीटिंग में या एक्सपर्ट से मिलते हो, तो आपको डिसीजन लेने के अंदर बहुत आसानी होगी और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको उस क्षेत्र की जो बारीकियां हैं वो पता होती है, किस प्रकार उन्होंने उस जर्नी को, उस यात्रा को पार किया है और आने वाले 5 या 10 साल में क्या बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कौन सी नई चुनौतियां जो है वो उनके सामने आ सकती है। और वहां पर स्कूल स्तर का इसलिए बोला है कि जो टीचर वहां पर प्रेजेंट है वो भी बच्चे के बारे में अपनी एक राय बता सकते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को कितना नजदीक से असेस किया है, उसकी कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं। तो 3 या 4 लोग मिलकर जब अपने अपना व्यू बताते हैं तो फिर आपको जो डिसीजन लेने में या कौन सा सब्जेक्ट दिलवाना है उसके अंदर बहुत आसानी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो बच्चा है उसको डेली आप 1 घंटे खेलने की परमिशन दें, उसको 1 घंटे खेलने के लिए भेजें अवश्य, क्योंकि दिन भर जो पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, उससे जो भी एक रूटीन के प्रोसेस से उसको जो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जब वो अपने मनपसंद का कोई भी खेल खेलता है तो उससे वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी बाहर निकलती है। अब वो टीम में खेलेगा तो उसके अंदर जो टीम की भावना है, पहले उसके अंदर मैं की भावना होती है, अब हम भावना जो है वो उसमें उत्पन्न होती है, जिससे स्टडी के अंदर उसको किस प्रकार हेल्प मिलेगी। ग्रुप स्टडी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है और ग्रुप स्टडी के लिए आपको कम से कम 8 या 10 लोगों के साथ मिलकर स्टडी करना चाहिए। तो उससे पहले जरूरी है कि 8 या 10 लोगों के साथ आप बैठ सको, उनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग कर सको, उनके ऊपर विश्वास कर सको। इसलिए जो खेल का महत्व है वो भी शिक्षा के अंदर, या जो खेल खेलने से आप हर डेली छोटी छोटी जो टारगेट है उनको अचीव करते हैं, तो उससे आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है या जो जजमेंट या आंकलन जो होता है वो मजबूत होता है। उसके बाद में जो ओपिनियन है कि
कि जो खेल के अंदर खेलना चाहते हैं, जैसे हॉकी के या क्रिकेट के या फुटबॉल के जो प्लेयर है जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद 11th 12th के अंदर वो जाते हैं, तो उसके बाद वो खेल में इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो पढ़ाई का इतना ध्यान नहीं रख पाते। 12वीं तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो खेल में फुल मतलब मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से फुल मेहनत करते हैं, लेकिन जो उससे जरूरी स्टडी है जैसे बीपीएड के कोर्स की हम बात करें उसके अंदर बहुत कम लोग जाते हैं, या तो उनको सही समय पे जानकारी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो उसको गंभीरता से नहीं लेते, और कई बार अगर ये दोनों चीज हो जाए फिर कोई परिस्थिति ऐसी रहती है कि वो उस चीज को कर नहीं कर पाते। लेकिन एक बात याद रखें, अगर परिस्थिति आपकी है तो सपना भी आपका है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक ओपिनियन है वो ये है कि आपका जो बच्चा है वो नई चीजें कैसे सीख सके या नए सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी कैसे ले सके, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। आपका बच्चा प्रतिदिन अखबार पढ़ता है, रोज सुबह कितनी देर पढ़ता है, 10 मिनट 20 मिनट या शाम को पढ़ता है सुबह का अखबार, तो थोड़ा सा परिवर्तन करना है आपको। घर में जब भी सुबह अखबार आए सबसे पहले उस बच्चे को देना है, उसको कहना है कि आप प्रतिदिन घर में सबसे पहले अखबार पढ़ेंगे 20 मिनट या 30 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होती है, अगर बच्चा 20 मिनट अखबार पढ़ेगा तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी पढ़ाई के ऊपर, और 10 अलग अलग महत्वपूर्ण खबरें वो पढ़ेगा। तो अब आप जो अखबार उसने पढ़ लिया वो अखबार अपने साथ ऑफिस में लेके जा सकते हैं, और उसको एक चीज और भी बतानी होती है कि जो भी 5 खबरें उसको सबसे ज्यादा पसंद है उनको वो अंडरलाइन कर दे या हाईलाइट कर दे, और अगर उस अखबार में कुछ जरूरी जानकारी उसको लगती है तो वो अपनी एक डायरी या कॉपी में लिख भी सकता है जनरल नॉलेज के हिसाब से। अब शाम को जब आप वापस घर पे आते हो या जब भी आप खाना खा रहे हो, उसी बच्चे से जो 10 महत्वपूर्ण खबरें उसने सुबह पढ़ी है, आप शाम को पूछते हो कि जो जो खबरें आपको याद है ईमानदारी से जितना भी याद है उसके बारे में बताएं। अगर वो बच्चा 10 में से 7 या 8 चीजें भी आपको सही से बता देता है तो आप यकीन मानिए उसकी याददाश्त का स्तर नॉर्मल से ज्यादा है। दूसरा, इस चीज से उसमें एक जो पढ़ने की हैबिट है वो डेवलप होगी डेली, और तीसरा, नियमित अखबार पढ़ने से उसकी क्रिएटिविटी, उसका व्याकरण, उसका जनरल नॉलेज मजबूत होगा, जिससे आगामी समय में उसको कोई भी जो कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम है उसको पास करने में आसानी होगी। और उसने जो भी 5 खबरें लगातार हाईलाइट किए उस चीज को अगर आप 1 साल तक देखते आओगे तो आपको पता चलेगा उसकी रुचि किस विषय में है, उससे भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में आसानी होगी और इससे उसकी शब्दावली भी मजबूत होगी, और जो शब्दों का चयन है उनमें भी आप उसका जो निखार या परिवर्तन है वो देख सकते हो, क्योंकि शब्दों का चयन ही निर्धारित करता है कि हमें उनकी कीमत मिलेगी या कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है और आपका अपना क्या अनुभव रहा है इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और सही लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।